हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस क्लास में फ्रेंड हम भारतीय संविधान के भाग वन यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक की इस क्लास में आप लोगों को बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट जेपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए आज की क्लास हेल्पफुल रहेगा। चलिए फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, आप लोगों को सभी स्टूडेंट को हेल्प करना है और इस चैनल के बारे में बताना है कि इस चैनल में जेपीएससी या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होता है। चलिए फिर आज के क्लास में हम आप लोगों को भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 1 से 4 जो भाग वन में है आप लोगों को बताएंगे। भाग वन में संघ और राज्य क्षेत्र का बारे में बताया गया। सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 के बारे में बताएंगे। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की विवरण दिया गया है। संघ कहने का मतलब होता है फिर एक साथ, यानी भारत में 29 राज्य है जो एक साथ काम करता है। यानी अनुच्छेद 1 में यही विवरण दिया गया है कि भारतीय संघ जो है, भारतीय राज्य की संघ जो है, एक साथ काम करता है। इसी के बारे में पूरा विवरण दिया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 में। इसमें कहा गया है कि संसद को नए राज्यों की स्थापना या सीमा परिवर्तन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसका कहने का मतलब है संसद जो है वह नए राज्य का स्थापना कर सकता है, उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है और विधि बना सकता है, जैसे कि किसको कितना देना है। ये सब काम कौन कर सकता है? संसद। नया राज्य का कौन स्थापना कर सकता है? संसद। ये सब आप लोगों को याद रखना है। संसद का मतलब आप लोगों को ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद में संसद द्वारा नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। आपको याद रखना आर्टिकल 2 फ्रेम। चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में। इसमें प्रावधान है कि संसद किसी नए राज्य गठन, राज्य क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 2 में था कि नए राज्य की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 में है कि वह नए राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है और सीमा भी परिवर्तन कर सकता है। ये सब प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। आर्टिकल 3 में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड कि आर्टिकल 2 में नए राज्य का स्थापना कर सकता है और आर्टिकल 3 में फ्रेंड क्या करता है कि नाम परिवर्तन करता है और क्षेत्र सीमा भी परिवर्तन करता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। और आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक अनुआंशिक और परिवर्णी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है। इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है फ्रेंड, अनुच्छेद जो 4 है उसमें अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन ही अनुसूची 1 और अनुसूची 4 से कुछ लिया गया है और उसी को विधि बनाने का कार्य की जाती है, उसी के अधीन काम किया जाता है। बस आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को अनुच्छेद बाय अनुच्छेद सब सब्जेक्ट में डिटेल बाय डिटेल जेपीएससी या मेंस कोई भी अनदर कोई भी कंपटीशन होगा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फ्रेंड। बिना स्किप के आप लोग क्लास को देखिए और आप लोगों को बहुत सब चीज समझ में आएगा। कोई भी अनदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो आप लोग 2 से 3 मार्क्स हर क्लास में आपको देख जाएगा। बस इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही पढ़ना है जिससे कि आप लोग एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है इसलिए। और जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, आप लोगों कृपया आप लोगों से आग्रह है कि सभी स्टूडेंट के हेल्प करें जिससे कि सभी स्टूडेंट आगे बढ़ सके और इस चैनल के बारे में बताना है कि इस चैनल पे अच्छा पढ़ाई होता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो और इसी तरह आप चैनल पर बने रहे। वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती। थैंक यू फ्रेंड।